मिस्टर राजन सर का ईमेल आया था, सर आपका होटल का पनीर टिक्का मसाला का रेसिपी हमें पार्सल कर दीजिए, स्पेशली पनीर टिक्का मसाला बनाया जा रहा है, आपको भी देखने मिलेगा रेस्टोरेंट का पनीर टिक्का। ये पनीर हमने पहले से बनाया हुआ है तो इसको हम माइक्रोवेव में डालेंगे। अभी दोस्तों आपको माइक्रोवेव में 2.5 मिनट डालना है, 2 मिनट 30 सेकंड डालना है तो गर्म हो जाएगा। ये फ्रिज में था इस कारण हम इसको गर्म कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम फ्राई पैन साफ कर लेते हैं, थोड़ा कांदा मसाला डालेंगे और थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। देखिए थोड़ा पानी डाल दिया है, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, गैस फास्ट कर देंगे और थोड़ा कांदा ग्रेवी डालेंगे, थोड़ा टमाटर ग्रेवी दोनों का यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि पनीर टिक्का मसाला बना रहे हैं तो हमें ग्रेवी की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। हमने दोनों ग्रेवी थोड़ा थोड़ा डाल दिया है दोस्तों। हमने पहले भी बहुत सारा रेसिपी अपलोड किया हुआ है, आपको अच्छा लगेगा अगर चैनल पर जाकर देखोगे तो बहुत सारा आइटम आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छे तरह से ग्रेवी को मिक्स कर लेना है, थोड़ा मिर्ची पेस्ट डाल देना है, कश्मीरी रेड चिल्ली को पीस के हम कलर बनाते हैं, जो कि कलर अलाउड नहीं है, इस कारण हम लाल करने के लिए मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग इसको अच्छे तरह से पकाएंगे और थोड़ा क्रीम और थोड़ा बटर दोनों मारेंगे इसमें, अच्छे तरह से मिक्स करेंगे या फिर कह लो ग्रेवी को पकाएंगे। देखते रहेगा दोस्तों वीडियो लास्ट तक, 2 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट में क्या होता है हम आपको पनीर टिक्का मसाला बना के दिखाने वाले हैं। अब पनीर टिक्का निकाल दिया है जो हमने माइक्रोवेव में डाला था, देखिए बहुत गर्म हो गया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। गर्म इसीलिए किया जा रहा है दोस्तों, जब भी आप पनीर टिक्का मसाला बनाएं, अगर तंदूर में रोस्ट किया हुआ पनीर टिक्का है तो आपको गर्म ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्राई पैन में हिलाओगी तो टूट जाएगा। इस कारण देखिए बहुत होशियारी से या फिर कह लो बहुत अच्छे से हम लोग मिक्स करते हैं। सब कुछ डाल दिया है, अब टेस्ट करते हैं, बढ़िया लग रहा है। वीडियो भी लाइक कर देना दोस्तों इसी खुशी में। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे दोस्तों इसमें, नमक कम लग रहा है। और ध्यान रहे दोस्तों आपको कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं डालना है, कस्टमर का हिसाब से डालना है आपको। और ये देखिए रेडी हो गया है, श्री राजन जी का पार्सल रेडी हो चुका है। अगर आप भी मुंबई में है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशली पार्सल भेज देंगे, होटल का एड्रेस सब दे देंगे आपको, पनीर टिक्का मसाला ऐसा बनता है रेस्टोरेंट में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।